अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान दीप। आप देख रहे हैं दीप टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो आज फिर मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज के हमारे इस ट्यूटोरियल का कोई टॉपिक नहीं है। आज मैं आपको होम यानी कि आपके घर की जो इलेक्ट्रिसिटी उसको कंट्रोल करने का एक सामान है मेरे पास, थोड़ा सा सामान, इसको मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगा आज। तो अगर आप भी अपने घर की बिजली को मोबाइल के साथ कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो कैसे करनी है और उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, वो सारा कुछ आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें ताकि उनको भी कोई ना कोई फ़ायदा हो जाए और उनको भी कुछ सीखने को मिल जाए। तो मैं बेसिकली रहता हूँ पाकिस्तान में बहावलपुर में और ये मैंने सामान यहाँ से ख़रीदा है। तो ये सामान आप देख सकते हैं, बेसिकली मैं आपको दिखा दूँ ये सामान है किस चीज़ का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक मोबाइल है और इससे हम कैमरा, टीवी और एलईडी और कंप्यूटर कुछ भी, यानी कि जो अब हमारा जो मोबाइल होगा उसको हम एक रिमोट की तरह इस्तेमाल करते हुए अपनी सारी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे आज इन चीज़ों से। तो इसका सिर्फ आज मैं रिव्यू दूंगा, उसके बाद जब बन जाएगा पहले मैं खुद बना के ट्राई करूंगा, अगर मेरे से बन जाता है तो, अगर ये बन गया तो उसके बाद फिर इसकी मैं डिटेल आपको बता दूंगा। या अगर आप भी बनाना चाहते तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको इसको बनाने का तरीका बता दूंगा। तो सबसे पहले इसका बिल दिखा दूं आपको, ये इसका बिल है और ये इसका नाम वगैरह है जितने का मुझे पड़ा है, ये सारा कुछ ये इस पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं ब्लूटूथ यूज़ नहीं कर रहा, ब्लूटूथ ले रहा था लेकिन उसका मैंने सुना है कि उसकी जो रेंज होती है ब्लूटूथ की कम होती है और वाईफाई की रेंज ज़्यादा, इसलिए मैंने वाईफाई इसमें इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो सबसे पहली हमारी जो चीज़ है वो है ब्रेड बोर्ड। तो यहाँ पे मेरे पास ब्रेड बोर्ड है, ये पुराना है मेरे साथ, मेरे पास ये पहले का पड़ा हुआ है, यानी इससे 1 साल हो गया। मैं ये 5 वोल्ट कन्वर्टर बना रहा था तो उस वक्त मैंने ये लिया था। तो ये मैं इसकी इधर दिखा देता हूँ, ये रहा, ये हमारा है ब्रेड बोर्ड। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है, मैंने इसके साथ साथ जो इसकी ओरिजिनल तस्वीरें हैं वो भी यहाँ पे मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रेड बोर्ड हमारा आ गया पहला, और ब्रेड बोर्ड के बाद आता है हमारा ये वायर। तो ये वायर जो हैं ये मैं गलत ले आया हूँ मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें दोनों साइडों पे ये पिन्स निकली हुई हैं और मैंने अभी अभी इधर नेट पे चेक किया है तो इसमें वो बता रहे हैं कि जो वायर होती है ये वाली, ये 2 तरह की होती है, एक होती है मेल फीमेल, एक मेल मेल और फीमेल फीमेल, ये 4 तरह की वायर होती हैं। लेकिन मुझे जो चाहिए थी वो चाहिए थी मेल टू फीमेल, जो मैं लेके आया वो है मेल टू मेल। तो ये फीमेल टू फीमेल भी ये 4ों तरह की होती हैं, लेकिन इसका भी मैं कोई जुगाड़ कर लूँगा, इनको यूज़ करूँगा अपने प्रोजेक्ट में, तो इसको बनाने में। तो ये वायर्स है पूरे के पूरे, पता नहीं कितनी होती हैं, पूरी एक इसी तरह की आती है। तो एक ये वायर हमारे इस्तेमाल हो रही हैं, उसके बाद हमारे पास है ये चीज़, असल चीज़ जो है आर्डिनो। तो इसको मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ। तो ये सर्किट, मेन सर्किट हमारा ये है जो ये मोबाइल के साथ कनेक्ट करेगा। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है, आर्डिनो जिसे कहते हैं आप, मॉडल होता है इसमें, ये करंट देने की जगह है और ये है यहाँ पे कोडिंग ट्रांसफ़र करने की। तो ये मैं आपको इस पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने इसकी तस्वीर निकाली थी ये वाली। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है, सेम टू सेम उसी तरह का ही है। तो ये हो गया हमारा आर्डिनो बोर्ड मॉडल, और इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। और इसकी ये वायर भी साथ ही मिली है और इसके साथ ही उन्होंने ये वायर दी है जिसके ज़रिए हम कोडिंग को ट्रांसफ़र करेंगे इसके अंदर। तो उसके बाद हमारा आता है, रिले, रिले है इसके अंदर, इसको भी ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा 4 पिन रिले, यानी कि इसके साथ हम 4 चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4। ये बड़ा भी मिल जाता है, इससे ज़्यादा भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह की दिखती है, अगर आप भी लेना चाहें तो, मैं इसलिए आपको ये दिखाता जा रहा हूँ कि अगर आपको पता ना चल रहा हो तो आप इस तरह से देख सकते हो। और इसमें वोल्ट भी मेंशन किए हुए हैं हर चीज़ पे अपने अपने, ये 5 वोल्ट का है। तो इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये 4 है और यहाँ पे बड़ा भी मिल जाता है हमें, ये 4 वाला है। और मैं यहाँ पे बड़ा आपको दिखा दूँ, यहाँ पे अगर कहीं है पड़ा तो, ये शायद मैंने सर्च ही 4 पिन किया था, मैं यहाँ पे 6 पिन आपको, हाँ 4।
तो ये बड़ा भी मिल जाता है अगर आपने ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल करनी है। तो ये मैं 6 पिन निकाल दिया, तो ये देखें इसके अंदर यहाँ पे 6 पिन है, यानी 6 चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। और इसके काफ़ी सारे इसके जो मॉडल होते हैं, जिस तरह का आपको मिल जाए आप ले लीजिएगा। तो मुझे बेसिकली मिला है ये वाला, और चार मुझे ज़रूरत ही 4 की थी, इसलिए मैंने ये 4 वाला ही लिया है। और इसको भी हम अब साइड पे कर देते हैं। और आखिरी चीज़ है हमारी वाईफाई। तो ये वाईफाई जो है इसके ज़रिए हम कंट्रोल करेंगे। तो इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। आप चाहे ब्लूटूथ भी ले सकते हैं, तो उसके पास ब्लूटूथ, वैसे मुझे ये चाहिए भी यही था, जो ब्लूटूथ नहीं चाहिए था, मुझे वाईफाई चाहिए था। लेकिन ये बहुत छोटा सा है और ये मेरे देखने में वर्क करेगा। तो ये है हमारा वाईफाई। तो इसके भी ऊपर भी इसने वोल्ट जो है अपने मेंशन किए होंगे। तो यहाँ पे तो नज़र नहीं आ रहा, कैमरे में नज़र आ रहा था। ये देखें आप पढ़ सकते हैं वीडियो रोक के। और ये हमारा वाईफाई, वाईफाई मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, हमारा वाईफाई मॉडल। तो हमारा वाईफाई मॉडल कुछ इस तरह का है। तो इसकी जगह आप और भी तरह के वाईफाई, जैसे ये बड़े वाला वाईफाई है, लेकिन मुझे वाईफाई के बारे में इतना पता नहीं था, इसलिए मुझे यही मिला। मिला नहीं, उसके बाद यही था, मैंने पूछा भी नहीं, ना मैंने कभी इस तरह की पहले ये डिवाइस यानी खरीदी है। तो अब खरीदी है इसलिए पता चला है कि ये 2-3 तरह के होते हैं। जो मुझे मिला है ठीक ही मिला होगा, ये यूज़ करूँगा तो पता चलेगा इसमें और उन इस बड़े वाले वाईफाई में क्या फ़र्क है। तो आप चाहें ब्लूटूथ ले लें या वाईफाई ले लें, तो उससे भी काम चल जाएगा। तो यही थी आज की हमारी वीडियो, कि हम अपने घर की जो बिजली को कंट्रोल करेंगे, या घर की पूरी इलेक्ट्रिसिटी को, या किसी भी चीज़ को अपने मोबाइल से कंट्रोल करेंगे। तो जैसे ये प्रोजेक्ट बनेगा उसकी वीडियो भी मैं दे दूंगा। तो यही थी आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।